अब मैं ऐसा छिया ना उसको, उन्हें बोल रहा वो स्ट्यू पूरा उसके जूसेस निकल गए और वो चीज को खींचे तो उन्हें आते, इसको क्या करे गरम गरम बटर और डोनर सॉस डाले, ये भी क्या है मालूम, जिसको मीट बॉल्स खाना है प्रॉपर, उसको खोले तो ऐसा तट बोल के निकल रहे, निकल के दबाने के बाद जो जूसेस निकल रहे हैं इसमें, साइड से बटर भी लगा है जिसकी वजह से वो अवन पहली बार देखे तो इसलिए खा के देख लेंगे अपन कैसा। कई को रो रहा हूँ मैं, बोले तो देखो कितना खूबसूरत और हसीन माहौल है, क्या हवा चल रही रूफ टॉप पे हूँ मैं, इतनी ब्यूटीफुल एम्बियंस और सीटिंग में बैठे हुआ हूँ और मेरे साथ मिसबा है, कट जबरदस्त मसला है। देखो भाई अपन लोग आ गए कबाब ज़ादे पे, एकदम न्यू है, रिवैम्प्ड है, पहले खाली छोटी मोटी सीटिंग थी लेकिन अब एकदम 100 लोगों के प्लस सीटिंग है यहाँ पे, और अलग अलग रूफ टॉप सीटिंग है, फाइन डाइनिंग सीटिंग है, और पूरे सर्वर्स जो है जो सर्विस में ग्लव्स पहन लेके एकदम ड्रेसेस डाल लेके लाजवाब दिख रहे, बाहर भी वहाँ पे एकदम एंट्रेंस पे ग्रीट करने के लिए क्या है एक पूरा ऊपर से नीचे टर्किश बंदा खड़े हुआ है ड्रेसअप में, देख के उसको भी बहुत मज़ा आया। खाना तो यहाँ पे अपन कैसा है पहले ही बोले हुए कि बहुत लाजवाब है, लेकिन अब फिर से अपन क्या है यूनिक आइटम है आज जो पहले कभी भी नहीं खाए सो वाले, विच इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इनका यहाँ पे एक इग्लू के वैसा एक अवन है, जो वुड फ्राइड अवन बोलते ना आप, वो टर्किश वो लेबनन इधर उधर रहते, तो मिडिल ईस्ट के आइटम्स है, जेन्यून और ऑथेंटिक टेस्ट। मैं इतना खा लेने के बाद इतना तो बोल दे सकता हूँ कि भाई मैं कबाब ज़्यादा से ऑथेंटिक मिडिल ईस्टर्न टेस्ट कोई भी नहीं देता। चलो भाई पहली चीज़ क्या है मालूम, इनका मेगा प्लेटर ट्राई करेंगे अपन, तीन डिफरेंट ग्रेवी टाइप्स है, एक मिल्क बेस दिख रहा, एक हमोस दिख रहा और एक बाबा गनोज दिख रहा, साथ में ये ब्रेड दे रहे हो विच इज अगेन लुकिंग लाइक अ क्रैकर, स्क्वायर शेप की है। पहले क्या करता हूँ मैं बाबा गनोज लगा के देता हूँ, बाबा गनोज इज बेसिकली बैगन का भरता जो रहता है, बैगन का कुछ सालन रहता हो। चलो भाई उसमें वेरी नाइस, वेरी खटासी, वेरी वो एकदम जो बैगन का रहता ना फ्लेवर जबरदस्त, नहीं पसंद है तो भी ट्राई करके देखो, ये एक मिडिल ईस्टर्न डेलिकेसी है। वाह वाह वाह, रूफ टॉप पे बैठे तो देखो क्या जबरदस्त हवा आ रही। चलो नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, हुमस ट्राई करेंगे, विच इज अगेन चिक पीस का एक पेस्ट रहता और उसके ऊपर जो जैतून का तेल डालते बहुत फेमस है, वीगन लोगों में तो खाली डिचिक डिचिक करते रहते ये खा के। बिस्मिल्ला, अच्छा है हुमस, जैतून का वो तेल डालने से जैतून का फ्लेवर भी आ रहा। ये बेसिकली स्टार्टर्स है भाई, आपकी मर्जी है मंगाना है नहीं, क्योंकि ये पूरे वेजिटेरियन वीगन आइटम्स रहते हैं। अपने ऐसे गोश्त करों को क्या मालूम, असल गोश्त के आइटम लगते हैं, दही की खटास है इसमें, मजे का है ये। इसको ज़्यादा खाए तो पेट में क्या है मालूम, अपनी जो जगह गोश्त के लिए रहती है वो खत्म होते रहती है, इसीलिए इसको साइड में रख देंगे। टर्किश पिज्जा ब्रेड्स, जिसको मनाकीश बोलते हैं, तीन डिफरेंट वेरियंट्स है, अवन पहली बार देखे तो इसलिए खा के देख लेंगे अपन कैसा। इसमें दिस इज बेसिकली अ चीज ब्रेड, वो चीज और वो ब्रेड फ्रेश फ्रेश है, बहुत पसंद आया, साइड से बटर भी लगा है जिसकी वजह से वो एक बटर का अरोमा आ रहा, बहुत प्यारा है। चलो ये नेक्स्ट क्या है मालूम, और एक एक है, आई गेस इसके नीचे खीमा आ रहा था, ये भी ट्राई करके देखिए, बहुत प्यारा है ये, बे इम्तिहा लजीज, इसको बोल सकते हैं अपन चीखमार चड्डी फाड़। पहले तो वो टर्किश ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर उन्होंने खीमा कुछ तो भी ऐसा एक डाले कबाब, वो कबाब के ऊपर चीज डाले जिसकी वजह से वो तीन डिफरेंट टेक्सचर्स आ रहे, वो तीनों टेक्सचर्स बहुत लाजवाब दिखे मेरे को, टेस्टी टू गुड। इसका नाम क्या है, देखो भाई अपन क्या है मालूम, अरबिक नहीं आती अपने को, अपन दुबई मिडल ईस्ट गए हुए नहीं है, तो उसके हिसाब से क्या है मालूम, मैं ये नामा बात करेगी प्रोनाउंस नहीं करूँगा, यहाँ पे आ जाता स्क्रीन पे, देख के बोल देना आप क्या चीज़ कैसी है, बोले बहुत प्यारा। बिस्मिल्लाह। चलो भाई इनके पास ये जबरदस्त डोनर कबाब भी है, विच इज ऑथेंटिक, जो टर्की में मिलता नहीं वही दिख रहा मेरे को, कहीं को बोले तो एकदम बारीक धार काटे, एक साथ काटे और उसको क्या करे मालूम, एक नरम खुबुस के ऊपर रख दिए, खुबुस के ऊपर वो पूरा चिकन स्प्रेड है, साथ में उनका वो जो गार्लिक सॉस रहता और ये पिकल भी है, तो मैं क्या करता हूँ ये नरम खुबुस को तोड़ता हूँ, जो ऊपर वो चार्ड चिकन के ऊपर एक पिकल डाल के फिर ये गार्लिक सॉस डाल के निवाला बना के। बिस्मिल्लाह, बेहतरीन है एकदम, पूरे जबरदस्त फ्लेवर्स है। चिकन की तारीफ करना चाहूंगा, चिकन एक अलग हिसाब में बने हुआ है वो, अब तक अपन जो शवरमा के चिकन खाए वो अलग थे, लेकिन ये वाला जो बाहर से एकदम चार्ड है और अंदर से एकदम जूसी बहुत लाजवाब है, ट्राई कर सकते हैं। चल नेक्स्ट, अंदर फाइन डाइनिंग में बैठ के खाएंगे अपन, इतनी खूबसूरत बनाया उन्हों, जबरदस्त सर्विस भी रखे, तो चलो वहाँ पे यूनिक और स्पेशल आइटम खा के देखेंगे। चलो इतना जबरदस्त खाना खाने के बाद नए और यूनिक, मैं बोला अपने गोश्तखोर खुर्शीद को सेटिस्फाई करने के लिए गोश्त होना, इसीलिए ये बॉस्नियन कबाब्स बोल के है, जो कि बुलेट के वैसे है ऐसे लंबे लंबे, उसको खोले तो ऐसा तट बोल के निकल रहे, निकल के दबाने के बाद जो जूसेस निकल रहे हैं इसमें। बिस्मिल्लाह।
प्योर मीट, उसके अंदर के जूसेस, उसके अंदर के फ्लेवर्स, बॉस्नियन कबाब ऐसे है, छोटे छोटे है ये साइज। अच्छा डाले तो मुंह में चले आ रहा, कहाँ घुल जा रहा, कब फट जा रहा, वो फ्लेवर्स कब निकल जा रहे और पेट में कब उतर जा रहा मालूम नहीं पड़ रहा। बहुत जबरदस्त आइटम है, कबाब्स कबाब बोले, लेकिन ये ट्राई करके देखो आप। नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, ये लेबनीज मीट बॉल्स बोल के है, विच इज अगेन, इससे पहले अपन जब खाए थे वो बीबीगुल के वैसे है, तो मटन का है, ये भी प्योर रहता। इसको क्या करेंगे अपन, सीधा सीधा अपने मुंह में डालेंगे। क्या फ्लेवर्स है उस्ताद, इसको बोलते ऑथेंटिक टर्किश कबाब्स, मिडिल ईस्टर्न कबाब्स ये है। कबाब ज्यादा पे ऐसे रहते जूसी, ऐसे रहते फ्लेवरफुल, अंदर उसके थोड़ा बहुत प्याज आ रही, बहुत प्यारा है। ये भी क्या है मालूम, जिसको मीट बॉल्स खाना है प्रॉपर वाले मटन के, तो यहाँ पे। नेक्स्ट अपन मटन चॉप्स खा रहे, चॉप्स का मसला कैसा रहता बोले तो मैं पहले ही बोला आपको, चिवी रहते यहाँ पे ऊपर से, इन्हों एकदम कोयले का वो जो चार्ड बोलते नहीं, चार्ड वैसा चार्ट पना आ गया, कोयला पकड़ा वैसा, उसको खा के दिखेंगे, बेहतरीन दिख रहे दिखने में तो, गरम गरम बिस्मिल्लाह। जिस हिसाब से गले है ये चॉप्स, च्यूई बोला था मैं, लेकिन क्या खासियत है, वाह कबाब जागे के कबाब्स, नेक्स्ट लेवल, बहुत प्यारा था। माइल्ड फ्लेवर्स है, एकदम जूसी है, और वो जो फ्लेवर्स जो बोल रहा ना मैं आपको, दिख के आ रहा मेरे को कि ये मिडिल ईस्टर्न फ्लेवर्स ऐसे रहते बोले। अब इंडियन में क्या है मालूम, वो अदरक लहसुन वगैरह वो डाल के अलग बना देते, लेकिन ये बहुत पसंद आया। चलो नेक्स्ट, ऐसी जबरदस्त जगह पे आए बोले तो अपने को कुछ नया और यूनिक खाना है, इतने यूनिक है कि मेरे को इसके नामा तक नहीं मालूम है। सम कबाब्स कुछ तो भी है, मिडिल ईस्टर्न टर्किश लेबनीज वैसे टाइप के है। क्या करे, इनके पास एक इग्लू के वैसा जबरदस्त अवन है, वुड फ्राइड अवन बोलते हैं उसको, वो अवन के अंदर इन्हें क्या करे, एक मटका, मटके के अंदर जो भी इन लोगों के डिशेस है वो डाल दिए, डाल के ऊपर से पर्दा लगा दिए और फिर वो मटके को अवन में डाल दिए, अवन में पक के गरम गरम खिराक बनते गया, मेरे सामने सर्व हो गया। अपने ऊपर वो जो पर्दा रहता वो पर्दा तो काट दिए, काटते ही अंदर आखिरी मीटी आखिरी जूसी कबाब के आइटम है। शुरू करेंगे अपन पहले ये वाला कबाब से, क्या है कि इसका नाम तो नहीं मालूम अपन, लेकिन यहाँ पे क्या है नाम डाल देंगे इसका, ऊपर एक कबाब है नीचे एक ग्रेवी है। चलो भाई बिस्मिल्लाह बोल के अपन खाएंगे। वो जो कबाब है ना, जिस हिसाब से गला है मेरे मुंह में, मतलब मैं ऐसा निवाला लिया, वो जूसेस फैले, और बोल सकता हूँ मैं कि वन ऑफ द मोस्ट जूसीएस्ट और सॉफ्टेस्ट कबाब्स मीट के अंदर बोले तो ये वाला है। इसके नीचे की जो ग्रेवी है, इट हैड दैट कुछ खटास थी भाई उसमें, हुमस रहता, देखो हुमस के वैसी कुछ है, लेकिन थोड़ा खटास है, आई गेस वो बाबा गुनुश के तरफ की ग्रेवी है क्या है नहीं मालूम, लेकिन जो कबाब है, नाम कबाब ज़्यादा है तो वो ज़्यादापन में इधर आके कबाब खा लेना अपन, वाकई टू गुड था, नई चीज़ खाए अपन, वो कबाब तो दिल जीत लिया मेरा। चलो नेक्स्ट क्या है मालूम, ये गोश्त एंड चीज़, पहले मटके के अंदर उन्होंने अपना एक गोश्त जो भी था वो गोश्त डाल के चीज़ डाले, इतना ज़बरदस्त डाले कि भाई वो अब अपन खोल के इसको ऐसा खींचे तो खाली गोश्त, वो स्ट्यू पूरा, उसके जूसेस निकल गए और वो चीज़ को खींचे तो उन्हें आते जा रहा, उन्हें फेंक रहा अपन पकड़ रहे, उन्हें खींच रहा उन्हें लपट रहा वैसा है मेरे को तो उसके, वाह क्या है यार ये पूरे जूसेस मालूम है। बेसिकली जुबना कोफ्ता है, जुबना बोले तो अरबिक में चीज़ को बोलते कहते, और कोफ्ता तो कोफ्ता विच इज गोश्त का रहता। बिस्मिल्लाह बोलेंगे अपन खा लेंगे। क्या फ्लेवर्स है, क्या टेक्सचर्स है, वो गरम गरम चीज़ तो भाई है, चीज़ कहीं पे भी मिल जाता, लेकिन वो जो कोफ्ता है और वो कोफ्ते के अतराफ का जो स्ट्यू, वो जो पानी है, वो पूरे चीज़ें एक साथ जब जा रहे मेरे मुंह में, सेटिस्फैक्शन का डेफिनेशन ये डिश को खाने के बाद मालूम हो जाता है इंसान को। आहा, अरे वाह क्या है, अरे भाई कहाँ से टर्किश है ऐसा दिख रहा तुम तो मेरे को। शुक्रिया शुक्रिया भाई को देखे तो क्या प्यारे तरीके के अटायर में आए, फीलिंग आ गई मेरे को मिडिल ईस्ट, टर्की में हूँ मैं बोल के, लेबनान में हूँ बोल के, क्या बात है क्या बात है। ये सुलेमानी चाय जिसको बोलते हैं वैसे टाइप की दिख रही मेरे को, पी के देखेंगे बात। क्या ओहो, सर्दियाँ बारिश के ऐसा बारिश वारिश जब चलते रही, अगर इन्होंने आके आपको ये पिला दिए तो आप सोचो क्या लेवल रहेगा वो। आहा हा, मेरी गर्दन कहीं को हिल रही मालूम, इसलिए हिल रही क्योंकि ज़बरदस्त है वो, बहुत प्यारा, फ्री का है ये एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, उन्होंने फिर लेते रहते कहते कबाब ज़्यादा में वो टर्किश फ्लेवर्स को प्रमोट करते हुए। चलो फ्रेश पीटा पॉकेट्स आ गए अपने पास, वो पीटा को ऐसा खोलते कि क्या है पॉकेट में, मैं क्या करा ये पूरा कबाब डाल दिया, वो जो कोफ्ता का कबाब और वो तहीना, और ये पूरा क्या है मालूम, ऑलिव ऑयल के अतराफ बने हुआ है, तो आई एम श्योर वो जैतून का एलिमेंट ज़बरदस्त रहने वाला है। चलो भाई बिस्मिल्लाह। फ्लेवर्स तो नमक मिर्च सॉसेस मसाले वगैरह फलाना ढिमकाना, कबाब की तारीफ क्योंकि कबाब ज़्यादा पे आप कबाब के लिए आते, और वो कबाब्स अपने इंडियन कबाब्स नहीं है, दीज आर मिडिल ईस्टर्न कबाब्स, लेबनीज टर्किश नहीं खाया मैं तो अब तक, इतने आई एम श्योर 600+ वीडियोज़ बनाया मैं, और ऐसे कबाब सिर्फ खाली ये जगह पे खाया।
बहुत प्यारा भाई। इतना गोश गोश खा लिए अपन, तो अब क्या है, रिफ्रेशमेंट्स के लिए ये ड्रिंक मंगा लिया, जो कि जादुई लाइट मार के जादुई कर दिया हमें, लेकिन स्ट्रॉबेरी मॉकटेल है। बहुत दिख रहा था मेरे को कि भाई गोश के साथ जरा थोड़ा प्याज कुचा लेंगे अपने, बिस्मिल्ला। ज़बरदस्त है, ऑब्वियसली रिफ्रेशिंग है, ठंडा है। इसको ज़्यादा टाइम दे दिए बोले तो अपने को क्या है, वो असल गोश्त के नगद मोटे मोटे पीसा अपने कम हो जाते, इसीलिए इसको साइड में रख के मैं वो असल मेन आइटमों पे उतरेंगे। चलो क्या है भाई, ये नया आइटम दिख रहा, स्कंदरी कबाब और ये है बैती कबाब, दोनों भी बहुत जबरदस्त सॉसी दिख रहे हैं मेरे को। है तो बेसिकली ये एक शॉर्मे का चिकन, जो बाहर से लेयर जो है उसका टेक्सचर एकदम चार्ड एकदम क्रिस्पी हो गया, और अंदर तो वो जूसी और नरम रहता ही रहता। इसको क्या करे, गरम गरम बटर और डोनर सॉस डाले, क्या मजे का दिख रहा था। अब तो मैं खा के ही बोलूंगा, स्पेशली जो वो बटर डाले ना, वो बटर और वो इनका डोनर सॉस थोड़ा माइल्ड है, लेकिन बटर चिकन पूरा एक दूसरे को ऐसा लपट लिए कि भाई मैं बयान करना मुश्किल है। आप लोग बोल रहे होंगे अरे भाई खाली चिकन ही छेना, वो भी शॉर्मे का, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को ऐसा मिक्स होके एल्कमी हो गई, वो कॉम्बिनेशन बहुत लाजवाब हो गया। ऐसा भी ट्राई करो आप। ये नेक्स्ट इनका बैती कबाब, बैती कबाब इज बेसिकली मेरे को ऐसा दिख रहा है शॉर्मा ही है वो, क्योंकि उसको रैप में बन करके फिर नीचे सेम डोनर सॉस एंड बटर, वो बटर का भाई बहुत जबरदस्त मसला हो गया। पूरा ये सॉस को ऐसा लगाऊंगा मैं, लिए बिस्मिल्ला। ये पहले तो मिडिल ईस्टर्न शॉर्मा है, इसके अंदर पिकल्स है, इसके अंदर वो हैलपिनो वो क्या क्या की है, फिर वो जो बटर में मैं हिलाया ना आहा बहुत पसंद आया मेरे को। अलग चीज़ें हैं ये, ऐसे फ्लेवर्स मेरे को यही खुशी होती भाई, जब मैं कुछ नया खाता हूँ ना मज़ा आता। चलो भाई मेन कोर्स आ गया अपने पास, सामने अपने बाजमानी राइस, जो कि कबाबजादे का, इससे पहले मैं मल्टीपल वीडियोस बनाया, साबित राइस के हिसाब से अगर जज करें तो हैदराबाद का दी बेस्ट राइस है। इसके अंदर का सौंदापन मैं किधर भी नहीं देखा जो इसको मैच कर सके। दूसरा इनके पास वो ज़ाफरानी राइस भी रहता, वो भी बहुत लाजवाब। लेकिन एक्चुअल जो जान है ये मेन कोर्स की, विच इज़ तंदूर मटन, तंदूर कई को बोले तो ये एक्चुअली मिडिल ईस्ट टर्की में कहते तंदूर को तंदूर बोलते। ये वो जो इग्लू वाला डोम का जो ओवन है इनका, उसके अंदर एक मटका है, ये बड़ा मटका, वो एक दिन पहले से पकड़ा, स्लो कुक हो रहा, उसके अंदर वो मटन के पीसा है। वो मटन के पीसा इतनी स्लो कुक होते इतनी बेहतरीन तरीके से कि भाई अब मैं ऐसा छिया ना उसको, उन्हें बोल रहा कि भाई मैं सबसे नरम पीस हूँ पूरे हैदराबाद का बोल के। मटन भी अंदर से गुलाबी है क्योंकि स्लो कुक हुआ, फैटीनेस रहती देखिए, वो फैटीनेस पूरी तरीके से बरकरार है। आ क्या बात है भाई, ये चर्बी का खाली राइस और मटन, बिस्मिल्ला। या ये जो मटन है बेमिसाल, लाजवाब। खाली मटन इट्सेल्फ इज नेक्स्ट लेवल, इसको बोलते जूसी, इसको बोलते मीठी। ऐसा मटन, ऐसे टेक्सचर्स आपको अब तक पूरे हैदराबाद में मिले नहीं, कहीं को बोल सकता हूँ मैं खुद इतना फिरने के बाद भी पहली बार देखा। जो एक दिन पहले से पकड़ा सो जो गोश है स्लो कुक हो रहा वो तंदूर में, इसीलिए अब जाके गया मालूम, इतनी नरमी इतनी गर्मी इतनी बेहतरीन फ्लेवर और टेस्ट। कुछ मसाले नहीं है एक्स्ट्रा इसके अंदर, सिर्फ वो गोश का मज़ा आ रहा। टू गुड है, राइस तो राइस है, मैं पहले भी तारीफ करा हुआ हूँ इसकी, इसके साथ के जो दगुज और वो जो गार्लिक सॉसेस रहते उसकी भी जरूरत नहीं पड़ रही, इतना जबरदस्त है फ्लेवर में। तो यही था देखिए अपना चीखमा चड्डीफाड़ दिल बोले बार बार वाला खाना। मैं नहीं समझता हूँ इससे बेहतरीन कोई जगह है अभी फिलहाल जो आप अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं, इतने खूबसूरत एम्बियंस में, चाहे वो रूफ टॉप रहो चाहे वो फाइन डाइनिंग रहो, जबरदस्त सर्विस है, खाना इतना यूनिक इतना जायकेदार लजीज, जो कि मिडिल ईस्टर्न है, ऑथेंटिक है, आपको ऐसे मसाले ऐसे फ्लेवर्स नहीं मिलते कहीं पे भी, मैं मेरी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं आपको। आके एक बार कबाबजादे, सालरजंग कॉलोनी, टोली चौकी, पहले भी अपन दो बार वीडियो बनाए, लेकिन अभी इसलिए बना रहे फिर से क्योंकि एक तो नए आइटम्स यूनिक आइटम्स, वो अवानिश पहली बार देखा मैं, उसके साथ साथ भाई सीटिंग देखो आप, इतनी बड़ी इतनी लैविश इतनी स्पेशियस। पहले क्या है मालूम, खाली 20-30 लोगों के लिए था, अब 100 के ऊपर लोगों के लिए है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खाओ पियो ऐश करो मेरे भाइयों, टाटा बाय बाय।